क्लॉट्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉट्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉट्स शूज एंड बैग्स। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। मुंबई के पद्मनगर में नाले में एक नवजात शिशु को बहते देख बिल्लियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोगों की नज़र उस कपड़े में लिपटे हुए नवजात शिशु पर पड़ी और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने नवजात शिशु को नाले से बाहर निकाला और इसे राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब इस नवजात शिशु की हालत बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। थाने के कलवा में खारेगांव स्थित रखमा सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर में मीटर बॉक्स रूम में आग लग गई। सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन की टीम और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। आग लगने की वजह से काफ़ी धुआं हो गया था और इस 4 मंजिला इमारत में रहने वाले 16 परिवारों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वही थाने की भिवंडी में एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। ये घटना को अंजाम देने वाला 20 वर्षीय व्यक्ति पावर रूम मजदूर है। शांतिनगर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि घर के पास रविवार को रामनगर में खेल रही ये बच्ची को आरोपी ने बहला फुसला कर घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। मीरा भयंदर में फेरी वालों पर कार्रवाई के दौरान काफ़ी हंगामा हो गया। फेरी वाले सड़क पर आ गए और जो कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची थी उनके सामने दादागिरी करने लगी। BP रोड पर फेरी वालों के साथ कार्रवाई के दौरान ये हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद महाराष्ट्र सुरक्षा दल ने हालात को संभाला। थाने के जवाहर में पुरानी पुलिस लाइन चौल में आग लगने की घटना सामने आई है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने करने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं आग कैसे लगी अभी इसका सही कारण पता नहीं चल सका। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।